गोगो कभी स्कूल गया नहीं, पर पहली बार एग्जाम देने पे गोगो ने 50% मार्क्स स्कोर किए। पर ये कैसे पॉसिबल है, बात करते इसी के बारे में। सो लेट्स बिगिन। यूनिवर्स 6 वर्सेस यूनिवर्स 7 के टूर्नामेंट से पहले सभी वॉरियर्स को एक रिटन एग्जाम क्लियर करना था, एंड जो भी वॉरियर एग्जाम को पास नहीं कर पाता वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। हमारी टीम से पू ने इस एग्जाम को पास नहीं किया था बिकॉज उसने कभी पढ़ाई नहीं की थी। पर मेन बात ये थी, गोगो ने इस एग्जाम को पास कर दिया इवन दो वो कभी स्कूल नहीं किया, एंड इवन उसने 50% स्कोर किया, तो काफी अच्छे खासे नंबर आए उसके। सो गोगो ने कैसे किया, गोगो को इतनी नॉलेज कहां से आई? पहले इसका रीजन है मास्टर रोशी, जिनका कोट आप सबको याद होगा, वर्क हार्ड स्टडी वेल ईट एंड स्लीप प्लेंटी। मास्टर रोशी की ट्रेनिंग में फाइटिंग के अलावा तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, खाना सोना और पढ़ना। एंड इसी वजह से गोगो के पास इतनी नॉलेज थी कि अपने पहले दिए गए एग्जाम में गोगो ने 50% मार्क्स स्कोर किए एंड वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर पाया। एंड अच्छी बात है गोगो ने इस एग्जाम को पास कर दिया बिकॉज गोगो की वजह से हम इस टूर्नामेंट को जीत पाए थे। अगर गोगो इस एग्जाम को पास नहीं करता कौन जानता है क्या ही हो जाता। वैसे आपको क्या लगता है, अगर गोगो इस एग्जाम को पास नहीं कर पाता तो क्या मोनाका सभी पार्टिसिपेंट्स को हरा देता यूनिवर्स 6 के? वेल मुझे लगता है हरा देता, बिकॉज अगर हेड को हरा सकता है तो सबको हरा सकता है। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और फनी टॉपिक्स आप लोग मेरे को सजेस्ट कर सकते हो, बिकॉज कहानी तो अभी चल नहीं रही आगे ड्रैगन बॉल सुपर की, तो हम सभी को पीछे से एक और टॉपिक्स लाने पड़ेंगे। इतने तक अच्छी वीडियो में पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। वर्क हार्ड स्टडी वेल ईट एंड स्लीप प्लेंटी।